हेलो बच्चों, ग्रामर की क्लास में आज हम एडवर्ब टू और रिमूव टू पढ़ेंगे। एडवर्ब टू और रिमूव टू ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एडवर्ब टू और रिमूव टू से तात्पर्य यह है कि एडवर्ब टू जहाँ पे लगा होता है TOO, इसका मीन्स हम समझेंगे एडवर्ब टू मतलब टू लगाना, और रिमूव टू का मतलब टू हटा देना। जहाँ पर लगा हो वहाँ पर हटा देते हैं, और जहाँ पर नहीं लगा हो वहाँ पर लगा देते हैं। तो इस बात को समझ लेते हैं, इस टू का मतलब है बच्चों, इस टू का मतलब होता है इतना कि नहीं, ये जो मीन इसका है छुपा रहता है। और इस टू का मतलब है नानी ने, इन्फिनिटिव में यूज़ किया जाता है इसे। इसमें नॉट छुपा रहता है इतना कि नहीं। तो इसे दो या तीन तरह से बना सकते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल से इजिली समझ में आएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसका मतलब है वह इतना कमज़ोर है कि चल पाने के लिए, वह इतना कमज़ोर है कि चल पाने के लिए। तो इसका सिंपली फॉर्मूला, यहाँ पर टू के बाद जब टू होता है, इस TOO के बाद जब टी होता है, तो इस टू को सो में चेंज करते हैं, और इस टू को दैट ही कैन नॉट, या दैट शी कैन नॉट, या दैट वन कैन नॉट, या दैट आई कैन नॉट, एनीथिंग जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो आपने चेंज कर लिया बच्चों, ही इज़ प्रेजेंट टेंस है, इस टू की जगह सो, फिर वीक का वीक ही रहेगा यहाँ पे, और इस टू को रिप्लेस करेंगे दैट ही कैन नॉट टू। कैन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। जब यहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, यानी इज एम आर में से कोई एक चीज़ होगी, तो यहाँ पर कैन होगा। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दूसरा सेंटेंस बच्चों इसी तरह से ले लेते हैं, द टीचर इज टू जेंटल, द टीचर इज टू जेंटल। टीचर इतने सज्जन हैं, या इतनी सज्जन हैं टू कंट्रोल द क्लास, कि वो क्लास को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वैसे बना लिया है, तो ही इज, इस टू के स्थान पर बच्चों सो, जेंटल का जेंटल ही रहेगा, इस टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट। अगर यहाँ पे हमने मेल टीचर ले लिया तो यहाँ पे ही कैन नॉट, अगर फीमेल टीचर आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट शी कैन नॉट भी कर सकते हैं, कंट्रोल द क्लास। नेक्स्ट, रीना वॉज टू फैट टू डांस। रीना इतनी मोटी थी कि डांस करने के लिए, डांस कर पाने के लिए। तो यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, तो यहाँ पर हमने कैन नॉट ले लिया। यहाँ पर पास्ट टेंस है, या पास्ट फॉर्म है, वॉज वर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम उसे कैन को कुड में चेंज कर देंगे, राइट। तो ऐसा सेंटेंस बना लिया, रीना वॉज टू फैट टू डांस। तो आपने बना लिया, रीना वॉज सो फैट दैट शी कुड नॉट डांस। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपा वॉज टू लेजी। दीपा इतनी लापरवाह थी टू वर्क प्रॉपरली, कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो आपने बनाया बच्चों, दीपा वॉज सो लेजी, दीपा वॉज सो लेजी टू वर्क प्रॉपरली, दीपा वॉज सो लेजी दैट शी कुडंट वर्क प्रॉपरली। इतनी लेजी थी, इतनी लापरवाह थी कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट थिंग है बच्चों, जब इस टू के बाद ये टू नहीं आता है, सबसे फिर से समझेंगे बच्चों, जब इस टू के बाद ये वाला टू नहीं आता है, तो सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे शी इज टू क्लेवर, वह बहुत चालाक है, वह बहुत ज़्यादा चालाक है। और एक चीज़ और, इस टू का प्रयोग जहाँ पर चीज़ें अच्छी हों या नेगेटिव थॉट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ के लिए क्लेवर थोड़ी सी चालाकी थोड़ा सा अवगुण से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पर टू कर सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग के लिए, राइट। तो शी इज़ टू क्लेवर, वह बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चतुर है। तो इसे बच्चों पाँच प्रकार से इसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपली आपने देखा होगा, शी इज, इस टू को वेरी में चेंज करेंगे तो क्लेवर हो जाएगा, शी इज़ वेरी क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट थिंग है ओवर, ओवर में भी चेंज कर सकते हैं इस टू को, तो शी इज ओवर क्लेवर। नेक्स्ट, इसे एक्सट्रीम में चेंज कर सकते हैं, तो शी इज एक्सट्रीम क्लेवर, ऐसे भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग है, शी इज क्लेवर एक्सट्रीमली, एडवर्ब में बना लिया इसे, इसे LY लगा के एडवर्ब में बना लिया बच्चों, तो शी इज क्लेवर एक्सट्रीमली, राइट। और जो मुझे अच्छा लगता है बेटा, आपको भी अच्छा लगेगा, तो शी इज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि वो सीमा से परे चालाक है, कि
कि वो बहुत चला गए इतना कि आउट ऑफ लिमिट, तो शी वॉज क्लेवर आउट ऑफ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आशा है बच्चों इस तरह से समझ सेंटेंस फिर से समझ लेंगे। जब यहाँ पे इज होगा या इज एम आर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज एम आर होगा तो सो की जगह कैन आ जाएगा, और वॉज वर होगा तो इस सो की जगह कुड आ जाएगा। दूसरी चीज, जब इस टू के बाद ये टू नहीं होता है तो इन पांच प्रकार से बना सकते हैं, वेरी क्लेवर, ओवर क्लेवर, एक्सट्रीम क्लेवर, क्लेवर एक्सट्रीमली, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आशा है बच्चों ये सिंपल एक्सरसाइज रिमूव टू एडवर्ब टू की आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, और आप ग्रामर से बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।